ओके तो और मैं तो भाई लोग कैसा हूँ, फिर से और आ चुका हूँ आप लोगों के लिए BGMI की और भी एक कमाल की वीडियो लेकर। अब अगर भाई आप TDM में M24 खेलना पसंद करते हो तब भाई ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए ठीक है समरिया। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं भाई लोग आप लोगों को M24 की कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। अगर भाई आप M24 मैच सीरियस खेलते हो, मतलब भाई आपको जीतना ही है जैसे तैसे करके भाई मैच को जीतना ही है, ठीक है, तब इस वीडियो को भाई पूरा का पूरा देखना, सब कुछ चीजें भाई आपके सामने क्लियर होने वाला है। कुछ ट्रिक भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, और ये सारे का सारे ट्रिक भाई आपको M24 में मास्टर बनने में हेल्प करेगा। अब भाई वीडियो में सारे भाई मिलकर फटाफट से एक एक लाइक कर देना। अब भाई चलो यहाँ पे इतना बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट से इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब भाई नंबर वन जंप शॉट, ठीक है। अब जंप शॉट का भाई फायदा क्या है मैं भाई लोग आप लोगों को बता देता हूँ। अब भाई नॉर्मल आपका क्रॉस एयर कहाँ पे रहता है, बंदे के हेड पे, ठीक है। अब मानो कि भाई बंदा अचानक से जंप करता है कुछ इस तरीके से, तब अगर भाई आप शॉट मारते हो तब भाई शॉट जगह कहाँ पे कनेक्ट होगा, बंदे के पैर पे, ठीक है, और भाई बंदा एक बुलेट में फिनिश नहीं होगा और उस चीज का फायदा उठा के भाई बंदा आपको इजिली फिनिश कर सकता है। अब भाई यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे भाई जंप किया, ठीक है, बंदा यहाँ पे मेरे को शॉट मारा लेकिन मैं भाई यहाँ पे एक शॉट में फिनिश नहीं हुआ। अब यहाँ पे भाई हम एक साथ शॉट मारेंगे, ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा डैमेज देख सकते हो, ठीक है, लेकिन सामने वाला बंदा भाई यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अब भाई एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जब भाई आप जंप करके नीचे की तरफ आओ, ठीक है, तब भाई आपको शॉट मारना है। तो M24 क्लोज रेंज में भाई आपको जंप शॉट का यूज जरूर से करना है। अब भाई नंबर टू स्लाइड, ठीक है। अब देखो काफी सारे बंदे M24 में भाई स्लाइड यूज करना पसंद करते हैं, लेकिन भाई आपको ये पता नहीं है कि भाई स्लाइड में बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज है। अब भाई यहाँ पे आप क्रॉस एयर देखो, बंदे के हेड पे, ठीक है, मैं मारूंगा तो हेड पे कनेक्ट होगा, लेकिन जैसे मैं भाई यहाँ पे स्लाइड करूंगा, जैसा कि भाई आप यहाँ पे देख सकते हो, क्रॉस एयर आ जाएगा भाई पैर की तरफ, और यहाँ पे अगर मैं शॉट कनेक्ट भी कर लेता हूँ फिर भी भाई यहाँ पे बंदा नहीं मरेगा। तो भाई M24 हो या फिर भाई एयर, ठीक है, आप लोगों को भाई हमेशा स्लाइड को ऑफ करके रखना है। अब भाई क्राउच शॉट, ठीक है। अब भाई आपका क्रॉस एयर कहाँ पे रहता है, बंदे के हेड पे, कुछ इस तरीके से। अब भाई मानो बंदा आपके सामने भाई अचानक से क्राउच कर लेता है, ठीक है, तब अगर भाई आप शॉट मारते हो घंटा भी भाई बंदे को शॉट कनेक्ट नहीं होगा और उस चीज का फायदा उठा के भाई बंदा मेरे को इजीली तरीके से फिनिश कर सकता है। तो भाई M24 मैच में आपको बीच बीच में कुछ इस तरीके से भाई क्राउच एंड शॉट का यूज करना है। अब भाई नंबर फोर सेंसिबिलिटी, ठीक है। अब देखो M24 में शॉट कनेक्ट करने के लिए आपके पास भाई एक अच्छा सेंसिबिलिटी होना जरूरी है। अब भाई मानो कि बंदे के हेड पे क्रॉस एयर को सेट करने के लिए भाई आपको टाइम लग रहा है, कुछ इस तरीके से भाई आप धीरे धीरे ला रहे हो, तब भाई कैसे होगा, बात तो सही है। अब देखो ये चीज डिपेंड करता है सेंसिबिलिटी के ऊपर, ठीक है। अगर भाई आपका सेंसिबिलिटी अच्छा है तब भाई आप कुछ इस तरीके से फटाक से बंदे के हेड पे जाके भाई सेट कर सकते हो क्रॉस एयर को। तो सबसे पहले भाई आप लोगों को चले जाना सेंसिबिलिटी में, ठीक है। अब ये जो थर्ड पर्सन नो स्कोप सेंसिबिलिटी भाई आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको कर देना है भाई आपको फुल जायरोस्कोप एंड भाई स्क्रीन वाला दोनों, ठीक है। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, लेकिन भाई जितना ज्यादा हाई हो सके उतना ज्यादा हाई कर दो। हाँ भाई पहले पहले थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और कुछ इस तरीके का रिजल्ट भाई आप लोगों के सामने आएगा। अब भाई नंबर फाइव पीक शॉट, ठीक है। अब इसके बारे में तो मैंने भाई लोग आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था, अगर भाई आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आई बटन में भाई आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना और उस वीडियो को भाई आपको पूरा का पूरा देखना है, वरना भाई आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से भाई आपको पीक शॉट मारना है। और आज के लिए बस इतना ही, कैसी लगी भाई आप लोगों को वीडियो कमेंट करके मेरे को जरूर से बताना। अब एक चीज, अगर भाई आप सोचते हो कि भाई BGMI तो बैन हो गया है, अब भाई हम ग्राइंड नहीं करेंगे, तब मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि भाई ग्राइंड करना छोड़ो मत, ठीक है, क्योंकि 100% कंफर्म है कि भाई BGMI बैक होने वाला है। तो बस भाई यही था आज की वीडियो में। इस तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑल पे कर देना, ठीक है। तो मैं मिलता हूं भाई किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।